ये बात है कुछ दिन पहले की, जब मैंने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट किया जिसमें मैंने खुद बताया कि नेक्स्ट वीडियो पर कौन सा गेम बनाया जाए। सो आप में से 77% बंदों ने वोट किया FPS शूटिंग गेम के लिए। क्या आपने वोट नहीं किया था? इसलिए तो बोलता हूँ, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको दबा दो, ये लाल का है बे। सो लेट्स मेक ए FPS शूटिंग गेम। सो नाउ मैंने इट्स मैचिंग इंजन को ओपन कर लिया है और यहाँ पर देन न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। बट यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, एक है मैं खुद से कंट्रोलर बनाऊं और दूसरा इट्स मैजिक इंजन का बनाया हुआ कंट्रोलर यूज करूं। सो आई चूज सेकेंड ऑप्शन। गेम का नेम तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, सो पर एक सेकेंड, ये क्या है बे? नाउ सारे कचरे को डस्टबिन में फेंकने के बाद हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। सो हमारा कंट्रोलर ठीक से काम कर रहा है। अब हमें चाहिए एक शूटिंग गेम का मेन चीज, जो होता है दो हाथ और एक गन। ये हाथ मुझको दे दे। देन मुझे कुछ लो पॉली मॉडल मिले और मैंने इनको गेम पे भी ऐड कर दिया। बट अभी हमारा गन बिल्कुल भी नहीं चल रहा क्योंकि ये ओनली कोडिंग का लैंग्वेज समझता है। देन मैंने गन के लिए एक स्क्रिप्ट बनाया और किस करो, बक्स बक्स बक्स। सो नाउ मैंने सारे बक्स को फिक्स कर दिया है और अभी हमारा गन परफेक्टली वर्क कर रहा है। और मैंने इस गन में फायर इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, रिकॉइल सिस्टम सब कुछ मैंने इसमें डाला है। नाउ हमें बनाना पड़ेगा गन स्विच सिस्टम। एट फर्स्ट मैंने कोड लिखा और कोड को गेम पे ऐड किया एंड इट्स वर्क नाइस। नाउ मैं बनाऊंगा एक स्कोप सिस्टम जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। एट फर्स्ट मैं यहाँ पर एक कैमरा को ऐड करूंगा, फिर इसके पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। और सबसे अच्छी बात, इसको चलाने के लिए मुझे कोई कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो गन स्विच का स्क्रिप्ट बनाया था उसको ही मैं यहाँ पर दोबारा यूज़ करने वाला हूँ। एंड रिजल्ट आप देख सकते हो। पर एक सेकेंड, ये किसने लिखा है बे? अभी हमें गेम के लिए एक ऐसा चीज़ चाहिए जिसके बिना एक शूटिंग गेम पूरा अधूरा है, एनिमीज। सो एनिमी के लिए एट फर्स्ट मैं गया गूगल पर और वहाँ पर सर्च किया। बट शायद गूगल में कुछ ज्यादा ही सस्ता मॉडल दे दिया था। नाउ मुझे एनिमी के लिए इस वाले वेबसाइट से एक बढ़िया मॉडल मिल गया और मैंने इसको मिक्सामो से एनिमेट भी कर लिया। सो मैंने एनिमी को गेम पे ऐड कर लिया है। बट अभी हमारा एनिमी प्लेयर को बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहा क्योंकि अटैक करने के लिए चाहिए दिमाग, जो इसके पास है ही नहीं। सो मैंने इसको इतना दिमाग तो दे ही दिया है जिससे प्लेयर को अटैक करे और उसको डैमेज कर पाए। और मैंने इस गेम में ब्लड इफेक्ट भी डाला है जिससे प्लेयर आपको जब ही डैमेज करेगा सो यहाँ पर ब्लड इफेक्ट प्ले होगा। सो नाउ हमारा एनिमी सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और मैंने दो जगह पर स्पॉनर भी लगा दिया है जिससे एनिमी रैंडमली स्पॉन होते रहेंगे। नाउ हम बनाएंगे गेम का मैप। सो मुझे ये दो वेबसाइट से कुछ मॉडल मिले और मैंने इनको गेम पे ऐड किया। पहले मैंने कुछ ट्री लगाए, फिर कुछ हाउस लगाए, कुछ बॉक्सेस लगाए और ऐसे ही एक दो आइटम लगाते लगाते पूरा मैप बन चुका है। और अभी हमारा मैप एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अभी हमारा गेम का 80% काम तो हो चुका है बट अभी हम बनाने वाले लॉबी, ओपन गैलरी एंड बहुत कुछ। सो लॉबी को बनाने के लिए एट फर्स्ट मैंने बैकग्राउंड ऐड किया, फिर प्लेयर को ऐड किया एंड प्लेयर में रोटेशन डाला जिससे आप प्लेयर को लॉबी पर रोटेट कर पाओगे एंड कुछ बेसिक UI बटन्स डाले। और मैंने लॉबी में वेपन गैलरी भी डाला है, जैसे ही आप वेपन्स पर क्लिक करोगे सो आपको गेम पे जो जो वेपन है उसको आप देख पाओगे। एंड और कुछ छोटे मोटे चीज़ अपडेट करने के बाद हमारे गेम पूरी तरीके से रेडी हो चुका है एंड इसको मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया है और मैंने इस गेम को mSmartStudio.tk पर अपलोड कर दिया है। तो जरूर से जरूर प्ले करो एंड बताओ आपको गेम कैसा लगा। पर भाई मैंने तो आपका गेम पहले ही खेल लिया। इतनी जल्दी तुझे गेम कैसे मिला वे? मैं तो आपका डिस्कॉर्ड का मेंबर हूँ ना। और हाँ गाइस, आपको भी अगर मेरे गेम को सबसे पहले खेलना है सो मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। गेम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।